2 सितंबर 2024 की रात के 10 बजे बेंगलुरु का वैलिकावल एरिया में मुक्ति रंजन राय और महालक्ष्मी के बीच एक इंटेंस लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि मुक्ति गुस्से में आकर महालक्ष्मी की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसके बॉडी को 59 पीस में काटकर एक 175 लीटर की फ्रिज में रख देता है और इसके बाद रूम लॉक करके तुरंत वहां से ओडिशा भाग जाता है। दरअसल 6 महीने पहले महालक्ष्मी और मुक्ति बेंगलुरु के एक स्टोर में साथ में ही काम किया करते थे। ज़्यादातर समय वो दोनों एक साथ घूमने फिरने और काम करने में बिताया करते थे। यहाँ तक कि मुक्ति ने महालक्ष्मी को 3.5 लाख रुपए की एक डायमंड रिंग भी गिफ्ट किया था। लेकिन कुछ समय बाद मुक्ति ने देखा कि महालक्ष्मी धीरे धीरे उसे दूर होने की कोशिश कर रही है। वो ज़्यादातर समय किसी और के साथ फ़ोन पर बात करती रहती है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़ा हो जाता था और इसी तरह से 2 सितंबर को जब मुक्ति महालक्ष्मी के रूम मिलने गया तब उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मुक्ति ने गुस्से में आकर महालक्ष्मी की हत्या कर डाला और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को पूरे 59 पीस में काटकर फ्रिज में रख दिया और वहां से तुरंत ओडिशा के लिए निकल जाता है। कुछ दिनों बाद मुक्ति को भी ये समझ आ गया था कि पुलिस से उसका बचना इम्पॉसिबल है। उसने अपने भाई और मम्मी को ये सारी बात बताई और 25 सितंबर को मुक्ति ने ओडिशा में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।